नौ वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय वंदन समिति के तत्वावधान में भव्य आरती एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम आयोजित करके एक दूसरे को नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामना दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय खेमका द्वारा भगवान श्री राम व भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर किया गया। तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता और भगवान शिव तथा प्रभु श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर भव्य आरती कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हुए नए साल की बधाई दी। गौरतलब है कि कल से हिंदू संवत्सर विक्रमी संवत 2078 का प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय वंदन समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सिविल लाइन स्थित लॉन पर इकट्ठा हुए और दीप प्रज्वलन आरती कर एक दूसरे को नए साल की शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय वंदन समिति के दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो श्री राम की जय। दुर्गेश त्रिपाठी, जैसा कि आपको जानकारी है, कल से वर्ष प्रतिपदा के अवसर से हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2078 का शुभारंभ हो रहा है। आज उसके पूर्व संध्या पर हम लोग ने आज राष्ट्रवंदन समिति के तत्वाधान पर माननीय विजय खेमका जी अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब ने भारत माता और श्री रामचंद्र जी की आरती कर एक दूसरे को मिष्ठान खिला करके नए साल की शुभकामनाएं दी हैं और आशा किया है कि ये नया साल कोविड जैसी महामारी से मुक्त हो और पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर के तमाम विषमताओं को खोते हुए और पुनः अब राष्ट्रगुरु के रूप में स्थापित होने के रूप अग्रसर हो। आज यहाँ पे हम लोग ने भारत माता की आरती कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर यह भी संकल्प लिया है कि हम किसी भी विषम परिस्थितियों में हम भारतीय एक रहेंगे और भारत की संस्कृति और जो इसकी जो विस्तृत जो विचारधारा है इसका संवर्धन और पालन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। कल से रामनवमी स्टार्ट होता है, कल से विभिन्न कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में प्रत्येक नगरों में रामनवमी के कार्यक्रम करने वाले हैं और हर एक नगर में यहाँ तक कि बस्तियों में भी रामनवमी और राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम हम लोग करेंगे।